हाय फ्रेंड्स, तो बेसिकली क्रिप्टो न्यूज़, क्रिप्टो मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो चुका है इंडियन मार्केट के अंदर भी, और ग्लोबल क्यूज भी आप कह सकते हो बहुत वीक हैं क्रिप्टो के। ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसका रीज़न ये है, सबसे पहला तो एक नया जो कोविड वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसका एक फर्स्ट रीज़न ये कह सकते हो आप कि ओमिक्रॉन वायरस के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं, और ऑलमोस्ट हर कंट्रीज़ में इसके केसेस मिलने शुरू हो चुके हैं, इंडिया में भी आ चुके हैं। तो एक तो ये रीज़न है कि मार्केट को एक फियर मिल गया है, फिर जो ना मार्केट थोड़ा सा चला गया, इसकी वजह से बिटकॉइन, इथेरियम, जिन सब ने अपने अपने मार्केट के अंदर जिन्होंने अपनी पोजीशन होल्ड करके थी, सब ने अपना प्रॉफिट बुक किया है मेरे हिसाब से। और पैनिक सेलिंग तो नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग ही है एक तौर पे ये बोल सकते हो। दूसरा रीज़न ये है कि फेड ने अनाउंस किया है कि वो अपनी टेपरिंग को जब से स्टार्ट करनी है तब से ही वो स्टार्ट करेंगे, और जिस तरीके से उन्होंने बताया उस तरीके से टेपरिंग करेंगे। तो आप कह सकते हो कि फेड के ये अनाउंसमेंट की वजह से भी मार्केट के अंदर टंबल है, और स्टॉक मार्केट जो है 4 से 5% तक बेसिकली डाउन हो चुके हैं, और क्रिप्टो वर्ल्ड में इसका नुकसान होता ही है। क्रिप्टो आपको पता ही, वैसे ही बहुत वोलेटाइल होता है, लेकिन एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? तो बेसिकली आपको इस डिप का फ़ायदा उठाना चाहिए। इस डिप पे आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिकली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही। लाल निशान आने का मतलब यू शुड गेट ग्रीडी, तो आपको खरीदना चाहिए जो जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो जो अच्छे अच्छे क्रिप्टोज हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनेंस, सोलाना, कार्डानो, आप कह सकते हो पोलकाडॉट, एवलांचे, फिर पॉलीगॉन, यूनिस्वैप, एल्गोरेंड, ये सब एक अच्छे क्रिप्टो हैं, इनका कुछ एक यूज़ है, डिसेंट्रलाइज्ड, तो इन सबको आप खरीद सकते हो। ऑलमोस्ट सारे के सारे डाउन है, 16, 17, 18, 20, मौज लो 20% आपको वैसे ही रिटर्न मिल जाना है। और कुछ लोग जो डरे हुए हैं, अगर आपको नहीं खरीदना है तो आपकी मर्जी है, बट आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे मेरे हिसाब से। सो क्रिप्टो में और स्टॉक्स में जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है डिप पे, आप अपने स्टॉक्स को, क्रिप्टो को ऐड करते रहो, बेफिक्र होकर ऐड करो भाई, कोई टेंशन नहीं, लॉन्ग टर्म में सब आपको अच्छा कमा के देंगे। और इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो को बैन नहीं कर रही है, बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम इसकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, माइनिंग को शायद वो इलीगल बना दे, और अच्छे से इसको रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे इंडियन गवर्नमेंट, जो बिल लेके आएगी राज्यसभा लोकसभा के अंदर। इंडिया इसको बेसिकली लीगल टेंडर तो नहीं बनाएगी, इलीगल में आप माइनिंग को मान के चलो, आप इलीगल मान के चल सकते हैं, और कुछ प्राइवेट क्रिप्टोस को ये बैन कर सकते हैं, बट जो गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ आ रही है वो यही आ रही है कि हम इसको रेगुलेट करेंगे। और रेगुलेशन में आप ये मान सकते हो कि क्रिप्टो में बिटकॉइन जो है स्टोर ऑफ वैल्यू है, तो आप बिटकॉइन में आप अपने पैसों को लगा के आप इसको बढ़ा सकते हो। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। टेक केयर, बाय बाय।